Hello student, welcome to online class. Today I am going to teach geography. My topic is longitude and latitude. First, I want to discuss longitude. Some points, right? Longitude, the line from north to south is called longitude. लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर कहा जाता है और यह देशांतर नॉर्थ टू साउथ खींची गई है. इसे हम लोग इमेजिनरी लाइन है, इसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. तो फर्स्ट नॉर्थ टू साउथ यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो लाइन खींची गई है, ड्रॉ लाइन की गई इमेजिनरी लाइन, उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है या उसे देशांतर भी कहा जाता है. फर्स्ट देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड. ईस्ट लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड डिवाइडेड द अर्थ टू इक्वल पार्ट, दो बराबर भागों में 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किए हैं. 0 to 180 ईस्टर्न एंड 0 to 180 वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. सो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड. नेक्स्ट 15 लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू 1 जून. व्हाई 1 जून? सो देयर आर टोटल 24 जून एंड 360 divided 24 is equal to 15, means 15 longitude is called 1 zone. So 1 zone, 1 latitude, it means 4 minutes for the earth to cross a longitude. 1 longitude को earth को cross करने में 4 minute का समय लगता है. So, 15 longitude is called 4 and total 60 minutes and 60 minutes is equal to 1 zone. 15 देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट्स आएगा एंड 60 मिनट्स को 1 जोन में डिवाइड कर देंगे. सो 1 जोन 15 1 जोन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12 वेस्टर्न हेमिस्फीयर. सो देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड इन द वर्ल्ड. 0 डिग्री, फर्स्ट 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. एक विश्व का टाइम यहीं से लिया जाता है, पूरे विश्व का. और यह जो रेखा खींची गई है ग्रीच मीन टाइम और यह ग्रीन बीच मीन टाइम इंग्लैंड के पास से गुजरती है. तो ये पूरे वर्ल्ड का एक टाइम जोन है 0 डिग्री एंड और एक स्टेट रूप में, एक स्टेट में सीधी रेखा जिसको कहते हैं खींची गई है. एंड 0 to 180 लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहा जाता है. 180 लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. व्हाई इंटरनेशनल डेट लाइन? सपोज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या कहा जाए ग्रीन बीच मीन टाइम में 12 o'clock दोपहर का 12 बजे है तो 180 लॉन्गिट्यूड में रात का 12 बजे, दोनों का डिफरेंस 12 आवर का होते हैं. इसीलिए डिसाइड किया गया है 180 लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन. एक डेट चेंज हो जाता है और 180 लॉन्गिट्यूड जी जैक के रूप में मीन्स हम लोग कह सकते हैं यह जो रेखा है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची गई है. तो ओनली टू लॉन्गिट्यूड, फर्स्ट 0 डिग्री सीधी रेखा, 180 जी जैक जिसको टेढ़ी मेढ़ी कह सकते हैं एंड ऑल लॉन्गिट्यूड
इस कह सकते हैं इसको अर्धवृत्त के रूप में, सर्कल के रूप में, हाफ सर्कल के रूप में खींची गई है। तो इस तरह से वन लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है, 15 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 60 मिनट्स लगेगा। 60 मिनट्स को वन जोन में डिवाइड कर दिया। देयर आर 24 जोन, एक टाइम जोन है, विश्व का जो टाइम नंबर निकालते हैं 24 जोन के माध्यम से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ईस्टर्न जो हम लोग लॉन्गिट्यूड के प्लस में टाइम प्लस होगा एंड वेस्टर्न में माइनस होगा। सपोज वन एग्जाम्पल ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड 12 और 12 का दोपहर बज रहा है, तो 16 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में कितना बजेगा? तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड 240 मिनट्स को आवर्स में बदल देंगे तो 4 मिनट्स, तो ईस्टर्न में टाइम प्लस होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री में सपोज दोपहर का 12 बज रहा है तो 16 ईस्ट में 4 PM होगा, क्योंकि 4 आवर्स के टाइम बन जाता है। एंड सपोज हमको वेस्टर्न में टाइम निकालना रहेगा तो 4 आवर्स माइनस कर दें, तो इसमें 8 AM एंड कहा जाता है कि 16 में इसमें 4 PM टाइम होगा, क्योंकि 4 आवर ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड में प्लस होता है एंड वेस्टर्न में माइनस होता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि हम लोग इंटरनेशनल टाइम के अनुसार से जोन जो डिवाइड किया गया है, पूरे वर्ल्ड में रशिया का 11 टाइम जोन है और इंडिया का 2 है, 75 एंड 90 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 75 एंड ईस्टर्न, क्योंकि बिकॉज इंडिया जो है वो 68 ईस्ट टू 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो 68 गुजरात से सिचुएटेड है, 97 अरुणाचल प्रदेश, और इसके बीच में 2 इंटरनेशनल डेट लाइन 75 एंड 90, देर आर 2 इंटरनेशनल टाइम जोन 75 ईस्ट एंड 90 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो 68 टू 97 के बीच में 29 टोटल लाइन लॉन्गिट्यूड है, इसे हम हाफ करेंगे तो 48 हाफ, एंड 48 हाफ को 68 प्लस 48 एंड हाफ को डिवाइड करके प्लस करेंगे तो 82 एंड हाफ आ रहा है। इसीलिए 82 एंड हाफ जो है वो इंडियन का टाइम जो है 82 एंड हाफ, एंड प्लस कर सकते हैं कि 75 टू 90 के बीच में, तो 75 और 90 के बीच में 15 लाइन है, और 15 लाइन को हाफ में डिवाइड करेंगे तो 7 एंड हाफ आ रहा, एंड 7 एंड हाफ प्लस 75 इस पर हम लोग कर सकते हैं 82 एंड हाफ। तो इंडियन का जो टाइम जोन है वो 82 एंड हाफ इस जो इलाहाबाद से खींची गई एक लाइन है, इस और ए 82 एंड हाफ इंडिया को 2 बराबर भागों में इसे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट लॉन्गिट्यूड से वन में हमें टाइम निकालने के लिए आता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में टाइम प्लस होते हैं, वेस्टर्न में टाइम माइनस होता है, और इंडियन का 82 एंड हाफ जो टाइम जोन है वो क्यों है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं हमारे अनुसार। 68 गुजरात एंड 97 आंध्र प्रदेश, 68 और 97 के बीच में टोटल 29 जोन है लॉन्गिट्यूड, उसको हाफ करेंगे तो 48 एंड हाफ, एंड 68 प्लस 48 एंड हाफ को ऐड कर देंगे तो 62 एंड हाफ आ जाएगा। ये 62 एंड हाफ जो भारत का जो है वो टाइम जोन है जिसको हम एटी ग्लोबल टाइम कर सकते हैं, एंड जो इंटरनेशनल टाइम के अनुसार से 75 और 90 के बीच में 15 लॉन्गिट्यूड है, और 15 लॉन्गिट्यूड को हाफ करेंगे तो 7 एंड हाफ आएगा, एंड 7 एंड हाफ प्लस 75 82 एंड हाफ यानी ईस्ट 85 डिग्री, और यह 0 डिग्री से 530 आवर्स आ गए। सपोज लंदन में दोपहर का 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 PM होगा। तो लॉन्गिट्यूड हमें ये बताता है कि टाइम किस तरह से निकालना है, टाइम के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में, थैंक यू।